ओ हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज के जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, नसीम शाह ट्रेंडिंग टिकटॉक प्लस एडिट्स का जो हम रिएक्शन करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा। ये नसीम शाह का एक अपना ही है, जब भी इंटरव्यू देंगे कोई ना कोई मीम निकल आती है। इनका बड़ा प्यारा तरीका बोलने का। और अभी हाल ही में एक PSL के अंदर था, पता नहीं क्या खा रहा था बंदा, ABC जेली खा रहा है या क्या खा रहा है। वो जिस तरह खा रहा था वो भी वायरल गई है। वो भी वायरल गई है। जिस तरह खा रहा था, जल्दी जल्दी खा लेता भाई, कोई ऐसे कर लेगा, वो चलो भी वायरल गई है। देखते और हैं। भाई PSL में कल का मैच था, बड़े खतरनाक बॉलिंग की दोनों भाइयों ने, ये मानना पड़ेगा। सो 3-2 एंड स्टार्ट। हमने बहुत सीम शाह रन को सपोर्ट करना है। और आगे शाहीन शाह वृद्धि आश्रम बाबा नहीं, ना सीम शाह इज द बेस्ट। क्या वजह, क्यों सीम शाह को? बस वो बहुत प्यारा है यार। बॉलिंग के हवाले से क्या कह रही है? वो उसकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी, आई लव इट। इस्लामाबाद में कौन सा फेवरेट था? नसीम शाह। कैसे बताऊं क्या हुआ है मेरे दिल का हाल, मदहोश कर रहा है तेरा हुस्न बेमिसाल। दीवाना हूँ तेरा, मुझे नजरों से जाम दे। क्या बातें हैं, और कुछ बताएंगे? वो तो पर्सनल बात है, वो आप नहीं पिच अच्छी है तो आप सो के तो नहीं बॉलिंग करेंगे। खुदा करना, खुदा करना। लगेगा कि नसीम शाह जो रूट के ऊट करेंगे। आपको क्यों बताऊं? स्किल फॉर आई हैव जस्ट 30% इंग्लिश, माय इंग्लिश इज फिनिश ना हो गए। मैंने पहले बोल दिया मेरी अच्छी नहीं इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। Now impress to you with the skills that he's got. I mean, he talked that he doesn't quite have the pace that he used to, or the pace that you've got, but he has other skills. What do you think of the skills that he has? What do you think of his ability to move the ball? ने कभी नहीं उर्दू में ये बोला इतने प्यारे क्यों हो, इतने प्यारे हो नहीं हो, नहीं हो। सारों ने अपने जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लड़कियों के लगा, लेकिन ये लड़के, आप सही कह रहे हैं, आप बड़े अच्छे इंसान है। ये मरियम नवाज कोई नहीं, हंस क्यों रहे? स्टार्ट तो मैंने किया, स्टार्ट एक मिनट में खोल के देता हूँ, मैं आपको खोल अच्छा, के दो। वसीम जूनियर था ना वो? एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा इसमें। लेकिन देखो जितना आप खतरनाक मैसेज देखोगे ना उतना आपको खतरा है, क्योंकि सेकंड बॉलिंग मेरी है। जनाब क्या है? फैजा खान। बहुत प्यार। नेक्स्ट टूर आगे बोल। तुम कराओ दोबारा बोल। लेनो क्या मतलब है? लेनोवो ये ब्रांड है कंप्यूटर और लैपटॉप। लेनोवो, लेनोवो पता नहीं यार। चाहत कसम नहीं है, क्या गिला है भाई, कसम नहीं है, दिल का बहम नहीं है, पाना है तुमको ख्वाबों में गाँव जिसका, रस्ता नाम जिसका, चाहत है नाम जिसका, पाना है तुमको। कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा खुशामदी है? खुशामदी मतलब के खुश रहता है या नहीं, जो कि बहुत बटरिंग करता हो, बहुत ज्यादा मक्खन लगाता हो। तो ये मतलब होता है बहुत ज्यादा मक्खन लगाता हो। किसको मक्खन लगाता हो? इंटरव्यू वाला यही बोल रहा हूँ, छोड़ दो भाई। किसी को भी टीम में यार मक्खन कोई नहीं लगाता। आपको कौन ज्यादा मक्खन लगाता? मुझे यार, मुझे किसने मक्खन लगाना है? चल झूठा। खवातीन क्रिकेट टीम में आपको कौन सी प्लेयर दी बेस्ट लगती है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी जिंदगी में खवातीन का मैच नहीं देखा। वाह वाह, द बॉयज द बॉयज।
यार आपने उस तरफ निशान लगा लिया या इधर भी लगाया? मैं दोनों तरफ लगा। आप बहुत छोड़ो के तो बोलो। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सोते मैं अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा। एक बंदा था, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे सामने बैठा है, मैंने सामने बैठा है, फर्स्ट टाइम मेरा दिल किया किसी के साथ पिक्चर लेने का, और मैंने इनको कहा था कि एक दिन टीवी पे बताऊंगा, आज बता रहा हूँ। और इन्होंने फिर क्या किया कि मैंने कहा कि अजय भाई एक पिक्चर ले सकता हूँ, उन्होंने कैसे किया, अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, देखो मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और यू नो इस तरह किया, तो उसके बाद दिल टूट गया। उसके बाद मैंने किसी के साथ पिक्चर नहीं किया, बंदा कौन है ये तो नहीं है, ये क्रिकेटर ही होगा। क्या नसीम की आवाज है क्या? ऊपर लिखा हुआ इस वॉइस, मैं वॉइस सुन रहा हूँ, हल्की हल्की मेरे को लग रही है सिर्फ वॉइस। बंदों का साथ घर आए क्या? थोड़ा पंजाबी एक्सेंट ही आ रहा है इसमें। एक प्रेमर बाकी आज छोटी पसंद था, उसमें मेरे अच्छे मतलब मार्क्स आते थे जब मैं छोटा था, लेकिन वो तभी जब 20-20 जमा करो, 40-40 जमा करो, फिर क्या जमा करा मैसेज, ये अजीब तो फिर दिमाग वहां से स्टॉप हो गया, तो फिर समझ नहीं आ रही थी ये ब्रेकअप में क्या है ये सब, लेकिन जमा जमा करने में बहुत मजा आता था दोस्तों में। हाय गाइस, इतने प्यारे क्यों हो, इतने प्यारे हो नहीं हो भैया, उन जान दो नेक्स्ट टाइम। मैं गाने नहीं सुनता। We also do some ED money to each other, but I don't have that. आप लोगों के आईज प्यारे, इसलिए मैं आप लोगों को प्यारा लगता हूँ, जो मेरे फैंस है वो प्यारे। आप सब भूल गए कि मैं बॉलर हूँ। बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं क्या खास? क्रेडिट जाते हैं उनके बॉलर्स को। आप ब्लेक हो ना? क्या बोला? कुछ पता ही नहीं है कि अच्छे छक्के से मारते हो, क्रेडिट जाते हैं उनके बॉलर को जिनको मारे। कहना है कि तैयार है दुल्हन, तो उस टाइम काम रेडी होगा। वर्ल्ड कप में ना खेलने का ज्यादा दुख है या उर्वशी से ना मिलने का ज्यादा दुख है? अगर आपको कुछ पता है तो आप ही बताओ। आपकी तरफ से कुछ नहीं है, इट्स जस्ट वन साइडेड। देखिए लोग कुछ भी बना लेते हैं, फास्ट बॉलिंग करना इट्स नॉट इजी, और फास्ट बॉलर को इंजरीज होती रहती हैं, और विराट कोहली जब भी हमारा उनके साथ मैच होता है तो वो आते हैं, वो पंजाबी में गुस्से मारते रहते हैं। तो ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होता है? लाइक कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि यार हाँ यार तेरी शक्ल देख के ना मुझे 30 दिन हो गए, अब कुछ और ही देखना है। हुई ना तू कदे हुन अखियां तोले, गाने तक ही रखना ये जो मरना और ये सारी चीजें, ये गाने तक ही रखना। देखिए समा लाउंज इतवार की शाम 5:05। क्रश का नहीं पता? पता मेरे को भी नहीं था, अरे भाई बाद में पता चला। ये ऑनलाइन चीज तो बहुत दूर है। पिया के घर घर माटी सब कुछ आती वो। हाँ हेलो,
इसको ऑनलाइन चीजों से बहुत दूर है, तभी तो नहीं पता क्रश व्रश कब लॉन्च हुआ, ये पहाड़ों में छक्के वक्के मारता होगा। मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी इसमें वो वाली एडिट लगी जो इंटरव्यू लेती है लड़की, क्या बोलती है मक्खन कौन लगाता है सबसे ज्यादा, तो किसको लगाता है ये बताओ, ये वो वाली वाइब थी जो असली पठान होते हैं असली अजिया वो समझ नहीं, और बड़ा जॉली की समझ नहीं दिखाते इसे, कुछ सोच रहा हूँ फिर आखिरी में जवाब ऐसा देते सामने वाला आ जाए। और इसके इंटरव्यू बाकी थे ना, एक और इंटरव्यू आ गया, ऐसे मीम बनते भाई, एक और आ गया मतलब माल आ गया, मीम का माल आ गया। अरे अगर आप चाहते हो इनकी जो बॉलिंग स्विंग वाली जो एडिटर होती है बड़ी कमाल होती है, अगर वो चाहते हो ये तो इनका पूरा एक फनी मोमेंट बीच में एक आई थी ना वो जो गिल्ला उड़ाता हुआ है, ये तो लीग है वो इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, उसमें जो इंडिया के उलझा देता है गिल्ले उड़ाए उलझाए हुए, अगर उनकी चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाजमी लाइक करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।